गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कस बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड का वीडियो नंबर सेकंड। इससे पहले हमने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड क्या होता है और उसके बनाने की विधियों के बारे में पार्ट वन में हमने अध्ययन किया है। अब हम पार्ट सेकंड में देखेंगे कि इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो है वो उसके जो भौतिक गुण हैं क्या हैं, तो उसको हम कंटिन्यूसली देखेंगे। नंबर वन, है इसका जो भौतिक गुण है कार्बोलिथियम कंपाउंड के, तो देखते हैं सरल कार्बोलिथियम यौगिक रंगहीन ठोस होते हैं, जबकि उच्च लिथियम एल्किल समानता पर द्रव होते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये हाइड्रोकार्बन तथा अन्य अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। पॉइंट नंबर थ्री है, इनके गलनांक न्यून तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है उनके उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। पॉइंट नंबर फोर देखते हैं, इन यौगिकों में बहुलीकृत होने की क्षमता होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है उन्हें उनमें बहुलीकृत, कहने का मतलब ये है पॉलीमर, मतलब कि एक से अधिक जो उनकी इकाइयां होती हैं मोनोमर वो एक दूसरे के साथ जुड़ने की इनमें क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर या बहुलीकृत होने की क्षमता। बहुलीकरण में अणु एल आई सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एल आई प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो जब भी पॉलीमर बनेगा ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड में, तो वहां पर जो लिथियम कंपाउंड होता है उनमें एल आई सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एल आई प्रकार से जुड़े रहते। कहने का मतलब ये हुआ एक कार्बन से दो लिथियम धातु यहां पर जुड़ी रहती हैं। अब हम देखते हैं जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम देखते हैं कि एल्किल लिथियम ग्रिगनार्ड अपकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। और जो एल्किल लिथियम ग्रिगनार्ड अपकर्मक की भांति व्यवहार करेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट प्रकार इसका क्या है, ग्रिगनार्ड अपकर्मक से समानता, और दूसरा प्रकार होता है ग्रिगनार्ड अपकर्मक से भिन्नता। तो यहां पर पॉइंट नंबर हम फर्स्ट देखते हैं, ग्रिगनार्ड अपकर्मक से समानता, जिसमें कि पहला पॉइंट है एल्कोहलों का बनना। तो जो एल्कोहलों का बनना होगा उसके भी यहाँ पर तीन पार्ट हैं। तो पहला पार्ट होगा यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो कहने में ये हुआ कि सबसे पहले जो एल्डिहाइड हैं उनके साथ हम क्या बनाएंगे, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो R एल आई लिखा हुआ है ये है हमारा एल्किल लिथियम, और एल्किल लिथियम की क्रिया हम यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब करेंगे, एल्किल लिथियम रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड, तो यहां पर ये एक क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये जो है यहां पर R जो है वो कार्बन से यहां से इस तरह आएगा और यहां पर अटैक करेगा। जब यहां पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस, ये यहां पर माइनस हो जाएगा, उसी क्षण क्या होगा ये लिथियम आकर यहां पर अटैक करेगा। तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड जब बनता है तो यहां पर
आगे की क्रिया जो कराएंगे वो हम उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहां पर तो जो एच है वो इसको हम बोलेंगे प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। ऑक्सीजन ऊपर माइनस और लिथियम ऊपर प्लस चिन्ह होता है। और यहां पर जो एच ओ एच है उसमें एच के ऊपर प्लस और ओ एच के ऊपर माइनस। तो जो एच है वो यहां पर अटैक होगा, यहां पर जुड़ जाएगा, और जो ओ एच है वो लिथियम से यहां पर, या लिथियम यहां से आकर यहां पर जुड़ जाएगी। तो हमें दो कंपाउंड प्राप्त होते हैं यहां पर, R CH2 OH। ये क्या बन गया, एल्किल एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, इसको कहेंगे हम प्राइमरी एल्कोहल। और लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये यहां से लिथियम हाइड्रोक्साइड यहां से निकल गया। तो यहां पर हमें प्राथमिक एल्कोहल मिला, जिसका प्राथमिक एल्कोहल का जो समान सूत्र होता है वो होता है R सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो R सिंगल बॉन्ड CH2OH है यहां पर हमें मिला, किससे, फॉर्मल्डिहाइड से। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर इसका एल्कोहलों का बनने में, ये एक पॉइंट था और अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर सेकेंड। तो यहां पर देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइडों के साथ द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं, क्या बनेगा यहां पर, सेकेंडरी एल्कोहल। तो जो सेकेंडरी एल्कोहल बनेंगे तो उसमें हम फॉर्मल्डिहाइड ना लेकर क्या लेंगे, एसीटाल्डिहाइड ले सकते हैं और प्रोपेनाल्डिहाइड ले सकते हैं, कोई भी दूसरा कंपाउंड ले सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर। तो यहां पर हम देखते हैं ये जो है हमारा एल्किल एल्किल लिथियम है, और एल्किल लिथियम की क्रिया हमने यहां पर R-CHO मतलब कोई भी एल्डिहाइड यहां पर लेंगे, किंतु क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, एसीटाल्डिहाइड ले सकते हैं, प्रोपेनाल्डिहाइड ले सकते हैं या कोई दूसरे एल्डिहाइड ले सकते हैं, किंतु यहां पर हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेंगे। तो ये क्या है, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। तो एल्किल लिथियम की क्रिया एल्डिहाइड से करवाते हैं तो यहां पर हमें ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हुआ, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हुआ उसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। यहां पर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर OH नेगेटिव और H प्लस के रूप में होते हैं, जो कि जो H है वो O से जुड़ेगा और जो Li है वो किससे, OH से जुड़ जाएगी। तो हमें यहां पर R और R-CHOH प्राप्त हुआ, कहने मतलब ये है R2CHOH, जो कि यहां पर इसका नाम है सेकेंडरी एल्कोहल। ये सेकेंडरी एल्कोहल हमें प्राप्त हुआ और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड यहां से निकल गया। तो यहां पर हमने फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरी एल्डिहाइड हमने लिया, और जिसकी क्रिया हमने किससे किया, एल्किल लिथियम से किया। तो हमें सबसे पहले बीच में यहां पर इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हुआ जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सेकेंडरी एल्कोहल हमें यहां पर प्राप्त होता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड यहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं एल्कोहलों में पॉइंट नंबर सी में देखेंगे कि कीटोन के साथ तृतीयक एल्कोहल बनता है। तो कीटोन का जो फॉर्मूला होगा वो होता है R CO R, तो R डैश कह दें, और यहां पर फॉर्मल्डिहाइड था
एल्डिहाइड का फॉर्मूला था ही। तो यहां पर हम देखते हैं कि कीटोन के साथ जब तृतीयक अल्कोहल बनेगा तो सबसे पहले हमने यहां लिया हुआ है एल्किल लिथियम लिया हुआ है, और यहां पर ये हमने कीटोन लिया हुआ है। तो एल्किल लिथियम की क्रिया हम जब कीटोन से करवाते हैं तो यहां पर हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और जब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है तो उसकी क्रिया हम यहां पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जिसमें ये OH नेगेटिव और H प्लस, और यहां पर ये प्लस ये नेगेटिव, तो प्लस आकर यहां पर और ये माइनस या ये प्लस आकर यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये जो बनेगा R R डैश R डबल डैश और C से जुड़कर OH बनाया, तो कहने वाले ये हुआ R3COH। तो इसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। ये टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त हुआ, और यहां पर जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो यहां से निकल गया। तो कहने वाले ये हुआ कि कार लिथियम यौगिक के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने यहां पर देखा जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ग्रिग्नॉल अभिकर्मक या ग्रिग्नॉल रिएजेंट के समरूप या सिमिलरिटी के बारे में हमने देखा कि जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है वो ग्रिग्नॉल अभिकर्मक के समान किस तरह यहाँ पर व्यवहार करते हैं। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल बनाया और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।